केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्थानीय सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक में शामिल हुए और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा भी की। उसके बाद पिपराही के लिए रवाना हुए, जहां पर मंत्री करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। सोमवार को केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। स्थानीय सर्किट हाउस में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने स्थानीय सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, इसको लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों से चर्चा भी की गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री हनुमना के पिपराही के लिए रवाना हो गए, जहां पर उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण उनके द्वारा भी किया जाएगा। देखिए प्रदीप जी, बहुत समय से कार्यक्रम के लिए वो अपेक्षा कर रहे थे और आज संयोग से ये अवसर आया है, क्योंकि कल 17 तारीख को एक हमारा इंटरनेशनल जो एग्जीबिशन चित्रकूट में था, तो उसका समापन के कार्यक्रम में मैं था और उससे ही जोड़ करके फिर ये कार्यक्रम हमने तय किया है। विशेष तौर से जो सरकार की योजनाएं प्रधानमंत्री जी की जैसी अपेक्षा है, और इसीलिए के छोटी बैठक भी हम जहां प्रवास का कार्यक्रम होता है तो जिले के अधिकारी जनप्रतिनिधि और हम सब मिलकर के थोड़ा विचार विमर्श करते हैं और जो गतिविधियां चलती हैं सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन के बारे में और हम किस स्तर तक हम अभी पहुंच पा रहे हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है नीचे तक, इसको भी समीक्षा करते हैं और इसी रूप से ये सारे कार्यक्रम की योजना बनी है। और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि रीवा जिले में बहुत सारी योजनाओं का लाभ है नीचे तक पहुंच रहा है और उसमें जितना हम और नीचे इनको ले जा सकते हैं वो कोशिश हो रही हमारे जनप्रतिनिधि और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के माध्यम से। तो इसी प्रकार के सारे कार्यक्रम देश भर में, और हमारा अभी 6 तारीख से पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 20 तक ये सारे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी का ये हिस्सा है। आज हम किसानों के साथ बात करेंगे उस सम्मेलन में, किसान सम्मान निधि जिनको देते हैं, किसानों से संबंधित जो भी विषय है उन पे हम बात करेंगे और उनके बेनिफिशरीज के साथ में संवाद करेंगे। देखिए अब क्या परिस्थितियां हैं देखने के बाद सोचेंगे, और मैंने कहा है प्रशासन को कि जरा एक बार अध्ययन करके उनका आकलन करके क्या हम मदद कर सकते हैं, किन किन योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं, वो जाने के बाद हम बात करेंगे। और रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।